कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इंडस्ट्री लाने के बारे में गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है, और मनीष कुमार टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात यहां पर लगातार हो रही थी, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूं, अगर थोड़ी सी छूट यहां पर मिलती भी है, थोड़ा सा टैक्सेशन में यहां पर राहत देने की कोशिश अगर होती है, तो क्या फिर सुविधाएं उसमें बढ़ाने के नाम पर फिर से उतनी वसूली हो जाएगी क्या? उसको किस तरीके से हम समझें जरा। डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस में जो अभी तक डिडक्शन मिल रहा है वो अप्रॉक्स 25,000 का है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के नाम पर अगर आते हैं तो 35,000 हो जाता है, 50,000 हो जाता है जी। तो कोरोना के बाद हमने देखा है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और जहां पर जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहले हर आम पब्लिक का ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, जो डिडक्शन है, उसको इंक्रीज किया जाए। यहीं पर एक 80D में जो सेक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, जो सिर्फ 5,000 का है, जो पिछले 5-6 सालों से सिर्फ 5,000 का है, तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि 5 से 10,000। अब जो आपका सवाल है कि अगर डिडक्शन इंक्रीज किया जाएगा तो क्या इसको वसूल कर लिया जाएगा, तो ये आप मान लो कि कहीं ना कहीं से ये चीज होगा कि एक तरफ से आप इंक्रीज करते हो डिडक्शन को और जनरल पब्लिक को आप राहत देते हो, तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई जनरल पब्लिक से ही किया जाता है, तो ये चीज का संभावना पूरा है। बाकी अब बजट में देखते हैं कि आता क्या, लेकिन संभावना पूरा है। बिल्कुल भरपाई किया गया है, 11 लाख करोड़ के आसपास टैक्स की इनकम हुई है सरकार को, तो ये हमने और आपने ही भरपाई किया है। और ये प्रेडिक्शंस हैं, और जो कि आज आप देखेंगे भी जब नंबर्स पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, तो शायद इस पर बात। बिल्कुल इंटरिम बजट है ये, और बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर कह चुकी हैं कि इंटरिम बजट है तो थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐसा जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं वो ना हो। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार हमेशा से उस पर काम करती रही है। डिफेंस के बाद दूसरा सरकार सबसे ज्यादा अपने कैपेक्स का अगर कहीं खर्च करती है तो वहीं पर करती है, तो इसीलिए आपके पास आते हुए टैक्सेशन की बात तो मनीष जी आपसे अभी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये बात करूंगी कि हम जब भी ऐसा इस तरीके का इंटरिम बजट आने वाला होता है तो जो उत्साह लेकर आते हैं, क्या उत्साह में हम अति उत्साह में बढ़ जाते हैं या अभी थोड़ा हमें इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत है लेकिन सरकार के पास योजनाएं भी बहुत है जहां पर उसे खर्च करना है। तो यहाँ पर जो बात है कि जब हम सरकार के पास बहुत सारे पैसा होता है तो सरकार के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है काम करने के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पोर्ट डेवलप करना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है, डिफेंस पर ध्यान देना है। तो जो लास्ट टाइम हमने देखा, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया का जो लोन है लोन इंक्रीज करते जा रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना है कि हमारा जो लोन इंक्रीज कर रहा है, अगर जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमारा इंडस्ट्री नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ज़्यादा आपको खर्च करना है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इंडस्ट्री लाने पर आप पूरा प्लान कर लो। अगर इंडस्ट्री नहीं आता है तो पैसे की भरपाई नहीं हो पाएगी, और ये जो लोन लिया गया है ये सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल से लिया गया, लाइक RBI और बाकी बैंक से लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इंडस्ट्री लाने के बारे में सोचना है। तो मनीष जी, जिस तरीके की आप चिंता जता रहे हैं, आज फिजिकल डेफिसिट अगर उसमें कुछ कमी आती है, 5.6% के आसपास ये कहा जा रहा था, ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज जब नंबर इंट्रोड्यूस करेंगी निर्मला सीतारमण तो इसको 5.2 भी बता सकती हैं, कुछ परसेंटेज मतलब 0.04% भी अगर डिफरेंस आता है लाख करोड़, ये बड़े बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, भले ये आपको छोटे से दिख रहे हो, क्या इसका असर फिर दिखेगा, क्या चिंता थोड़ी घटेगी इससे? डेफिनेटली जो फिजिकल डिफिशिएट है ये अप्रॉक्स 5 के आसपास होना चाहिए, ताकि ये नेक्स्ट 2-3 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे सरकार जिसका भी आए तो उसको रिड्यूस करने पर ध्यान रखेगा। तो मेरा उम्मीद है कि ये अप्रॉक्स 5 के आसपास होना चाहिए, और इसी तरीके से जो बजट है इसका जो विजन होगा कम से कम 5 से 10 सालों का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन के लिए डेवलप नहीं होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, जहां पर इंडस्ट्री और पब्लिक को एक पूरा प्रोजेक्ट मिलता है कि आप इंडस्ट्री को अच्छे से लगा सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छा हो सकता है। मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर
जो एक प्रोसेस होता है यहां पर आईटीआर फाइल करने का, जो आम पब्लिक है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहता है। तो क्या इस प्रोसेस को और ज्यादा यहां पर आसान बनाया जा सकता है और सहूलियत दी जा सकती है यहां पर? जैसा गवर्नमेंट लास्ट बजट में कहा था कि हम आईटीआर 1 आईटीआर 2 सरल फॉर्म ला रहे हैं, तो उन्होंने काफी सरल कर दिया। हर सेक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि आपको ATC सेलेक्ट करना है, ATD सेलेक्ट करना है, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करना है, तो ऑलरेडी काफ़ी सरल कर चुका है। और इसमें पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि जब भी आप कोई प्रोसेस पर हो तो इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको और सरल करे। लेकिन जो जनरल पब्लिक का जो उम्मीद है बजट से कि आईटीआर सरल तो एक छोटा सा वो तो टूल्स है, अगर वो खुद नहीं करेगा तो किसी न किसी टैक्स प्रोफेशनल या किसी का असिस्टेंट लेके काम कर लेगा। जनरल पब्लिक का उम्मीद है कि जो अभी 7 लाख तक का न्यू टैक्स रिजीम में छूट दिया गया है इसको बढ़ाया जाए। एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि 80C जो हमारा 1.5 लाख का डिडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। रीजन कि ये जो 1.5 लाख था ये 1 अप्रैल 2015 को किया गया था, तो 15 से लेकर 2023-24 तक इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ चुका है और डिडक्शन हमारा 1.5 लाख ही रखा हुआ है। यहीं पर जो हम हाउसिंग लोन लेते हैं जिस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तकरीबन 2 लाख का हमें छूट मिलता है, ये भी प्रावधान आपका नहीं आया था। तो 15 से 23 तक 8 से 9 साल हो चुका है, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर चुका है, घर का प्राइस जो 50 लाख का था वो अप्रॉक्स 80-90 लाख या 1 करोड़ हो चुका है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट का 2 लाख है। चाहता है कि हर जगह ज्यादा छूट मिल सके, सो जो प्राइस का इन्फ्लेशन चल रहा है उससे हम ये बराबर हो सके। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैन और आधार का लिंकिंग, जिस पर अभी गवर्नमेंट 1,000 रुपया लगाता, कहने को तो 1,000 रुपया है लेकिन मेरा सवाल है कि पैन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करता है और आधार कार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों को लिंक करने के लिए 1,000 रुपया आप क्यों चार्ज कर रहे हो? ये मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल चुका है कि अगर आपका पैन और आधार आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो तो आपने एक स्टेज पर अवरोधन तो पैदा कर रखा, तो फिर पेनल्टी 1,000 रुपया क्यों? आप 100 रुपीज भी लगा सकते हो या 200 भी लगा सकते हो। मुझे लगता है कि शायद इस पर विचार जरूर किया जाएगा। और मैं यहाँ पर गौर कर रही हूँ तब से कि आवितोष वही सारे सवाल पूछ रहे जिससे वो बड़े परेशान थे, पहला ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम और उसके बाद आरटीआई फाइल करना। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हो सकता है टैक्स में आप सवाल नहीं पूछा कि महिला